हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, जो कि लूसेंट जीके से हम कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने लूसेंट जीके के बहुत सारे सब्जेक्ट डाल रखे हैं। साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मैंने डाल रखा है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी को डाल रखा है, स्पोर्ट्स डाल रखे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी मैंने कवर कर रखा है। तो जिन लोगों ने अब तक जाकर के नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसे देख सकते हैं। लूसेंट, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो लूसेंट जीके आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे पढ़ना। तो इसलिए मैंने सारे कवर कर रखे हैं, और इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। इसके अलावा मैं यूपीएससी ईपीएफओ को भी, इसके सिलेबस को भी मैं कवर कर रही हूँ, जो कि आपको कल से मिल रहे हैं, और 2 महीने बाद इसके एग्जामिनेशन है। तो ये सारे सिलेबस मैं कवर कर दूंगी ईपीएफओ का, तो जो ईपीएफओ के कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में, कैसे उद्भव हुआ था हमारे भारत का। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष यानी भरतों का देश कहा जाता था, और यहाँ के निवासियों को भारती यानी भारत की संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप यानी जम्बू मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जिसे वे सिंधु न कह करके हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। एक नोट है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। इन नस्लों के लोगों के नामों से मिश्रण है ये, ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में है। तो आज हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं, जिनमें से कुछ पार्ट आपको इसमें मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएंगे, जिसमें आपको सेकंड पार्ट, आगे के पार्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो एक नोट है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है, जिनका कार्यकाल था 1638 से 1707 एडी को, ठीक है। कौन? क्रिस्टोफ सेलियर्स। तो जानते हैं प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त हुआ है। कौन कौन से स्रोतों से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये 4 स्रोत हैं, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन 4 वेदों को? संहिता कहा जाता है। तो इन 4 वेदों के बारे में हम जानेंगे, किन वेद में क्या क्या है और कौन से वेद का काल क्या था। सबसे पहले सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं।
ठीक है, जो पढ़ते हैं ये ऋषि उनको होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कौन से वेद में, कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नौवें मंडल में कौन से हैं? सोम देवता का उल्लेख है। इसके आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के दसवें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। एक नोट है, धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। तो अब हम जानेंगे ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, दोनों में क्या फर्क है और ये क्या, किसको ईसा पूर्व बोलते हैं, किस समय को और किस समय को ईसवी बोलते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर है, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, जिनको इंग्लिश में बीसी बोलते हैं, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा गांधी का जन्म और 483 वर्ष पहले मृत्यु हुआ। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड कौन, जीसस क्राइस्ट। वामनावतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। एक नोट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका? शतपथ ब्राह्मण का। ऋग्वेद के बाद हम आते हैं दूसरे वेद यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। सश्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं यजुर्वेद के पाठकर्ता को। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है यजुर्वेद में। ये एक ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में है। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य भी है और पद भी है। इसके बाद आते हैं सामवेद। सामवेद में क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, जिसमें गाने संगीत का इसमें वर्णन है सामवेद में। ठीक है, इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का, ऋचा मतलब मंत्र होता है, ठीक है, मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। सामवेद को जो पढ़ते हैं उसको उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। सामवेद में कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त हैं, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। एक नोट है, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब सामवेद के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन तर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है।
ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह और प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। तो जादू टोना, इस तरह के भी फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं कि जादू टोना के बारे में किस वेद में है, तो किस में है? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कुछ कई शाखाएं हैं जो कि वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? दो भागों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। माध्यंतिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कडिस्टल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। कौथुम रडायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामदेव की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? शौनक और पैपलाद, ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। एक नोट है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसके बाद बात करते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। संहिता के बाद ब्राह्मणों, आर्यनकों और उपनिषदों का स्थान है। इनके उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो कि आपको ये सारणी जो दिया गया है उसमें मिल सकता है। तो ये वेद है और कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशितकी है, यजुर्वेद तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद में पंचविश और अथर्ववेद में गोपथ। ऋग्वेद ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद तैत्तिरीय और शतपथ और सामवेद में पंचविश, अथर्ववेद में गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। किसमें? ऐतरेय में। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, किसकी? दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयिनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो चारों आश्रम लोक का उल्लेख किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। इस कौन सी? मनुस्मृति। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति में गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद बात करते हैं वेदांग एवं सूत्र।
वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। कौन कौन से वेदा हैं? शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प यानी कर्मकांडीय विधि, निरुग यानी शब्दों की व्युक्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रोत, गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों और राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौद्धायन, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। कौन से? गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है सूत्रों में। इसके बाद आते हैं पुराण क्या है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? लोमवर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 8 है, ठीक है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वशावली पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से? वैसे तो 18 हैं, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। एक नोट है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। ठीक है, सबसे पुराने कौन से हैं? मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब हम आएंगे बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। किसमें? जातक में गौतम बुद्ध की पहले के जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ये जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कौन है? चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात हैं। ये 15 अधिकरणों और 118 प्रकरणों में विभाजित हैं। क्या? अर्थशास्त्र। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रास तरंगिणी है, जिसमें कि राजाओं की नदी के बारे में है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है रास तरंगिणी में। ठीक है, 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, इसके लेखक अली अहमद हैं, में सुरक्षित है। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। एक नोट है, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां देखेंगे। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक
टेसियस। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। दूसरा, हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, हेरोडोटस को। इसकी पुस्तक है, इसकी अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, लेकिन इसका विवरण भी अनुश्रुतियाँ और अफवाहों पर आधारित है, हेरोडोटस का। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक भी निर्याकस, आने सिक्रट्स और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। किसमें? इंडिका में। अगला यात्री डायमेकस। डायमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगला विदेशी यात्री डायोनिसियस। ये मिश्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्स का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, टॉलमी ने। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अगले यात्री पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी के हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। कौन? पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसके बाद चीनी यात्री में थे फाहियान। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है, ठीक है। ये 14 वर्षों तक भारत रहा था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है, फाहियान ने। अगला संयुगन। ये 518 में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसोंग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर करके 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, हेनसोंग। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। एक नोट है हेनसोंग के बारे में। हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला चीनी यात्री इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है, इत्सिंग ने। अब आते हैं अरबी लेखक पे। तो अरबी लेखक में कौन है? अलबरूनी। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्मिया खीवज बोलते हैं इनको, जो कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन कौन से? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज और प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल और मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र,
विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किसको? इब्न बतूता को। अन्य लेखक को देख लेते हैं, जैसे कि तारानाथ। तारानाथ ये एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। कौन कौन से? कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली अन्य जानकारियां देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जो कि एशिया माइनर है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुंफा अभिलेख में है। किसमें है? हाथी गुंफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित होने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड अभिलेख, जो कि यानी शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। किस साक्ष्य मिल कहाँ से प्राप्त होती है? एरड अभिलेख से। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडो पुदुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक नोट है, सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा यानी स्वर्ण भूमि, वर्तमान में व्यामार है, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यानी यवद्वीप से स्थापित हुए हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं, जो कि एक चार्ट के थ्रू दिया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। ये अभिलेख है और ये उनके शासक है। हाथी गुंफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। इसके शासक है कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख के शासक हैं रुद्रदामन। नासिक अभिलेख के शासक है गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख के शासक हैं समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख के शासक है पुलकेशिन सेकंड। मंदसौर अभिलेख के शासक है मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, मंदसौर अभिलेख के शासक है मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख के शासक है प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक है स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख के शासक है बंगाल शासक विजय सेन। एक नोट है, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला
द्रविड़ सागर द्रविड़ शैली कहलाती है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों ही शैलियों का प्रभाव पड़ा, इसलिए ये वेसर शैली कहलाती है। कौन शैली? वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तब ये पंचायन कहलाता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं, कौन कौन से पंचायतन मंदिर हैं? कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो के मंदिर है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पंचायतन मंदिर है गुंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। प्राचीन इतिहास के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, प्रागैतिहासिक काल पे। तो अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास यानी प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास यानी हिस्ट्री तीन भागों में किया गया है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री तीन भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, उसे इतिहास कहा जाता है। तो एक चार्ट हम देख लेते हैं जिसमें संस्कृत और उसके बर्तन हैं। मालवा का बर्तन है, ये संस्कृति है, ठीक है। मालवा का बर्तन है काला और लाल, बुरझोम का धूसर, जोखे संस्कृति का बर्तन है लाल, दक्षिण नौपाषाण का बर्तन है चमकीली धूसर और पूर्वी नौपाषाण संस्कृति का बर्तन है भूरा लाल। मालवा संस्कृति का बर्तन है काला और लाल, बुरझोम संस्कृति का बर्तन है धूसर, झोंके संस्कृति का बर्तन है लाल कलर का, और दक्षिण नवपाषाण संस्कृति का बर्तन है चमकीला धूसर, और पूर्वी नवपाषाण संस्कृति का बर्तन है भूरे लाल। ज्ञानी मानव किसको बोलते हैं, यानी होमोसैपियंस जिसका साइंटिफिक नेम है होमोसैपियंस। होमोसैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। नवपाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण में हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण में हुई और उसने सबसे पहले कुत्ता को पालना शुरू किया, कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल था अतिरपक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है गेहूं, पहली फसल है, और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोलडीहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, ठीक है। कोलडीहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट स्प्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई थी जब सी एल कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण यानी माइक्रोलिथिस खोज निकाले थे। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण
काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाप कपी है, श्वेतभ्रु गिबन। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत की शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। एक नोट है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकार रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया, रिजले। आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, थर्ड चैप्टर सिंधु सभ्यता। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, सिंधु सभ्यता का विस्तार है त्रिभुजाकार। तिथि निर्वारण की कार्बन 14 या जो कि C14 इसका सिंबल है, की खोज अमेरिका की प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी के द्वारा 1946 में किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सूतका गेंडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, और उत्तरी पुरास्थल चिन्नाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर में की संख्या दी गई थी। कौन कौन से 6 नगर हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है, गुजरात में। एक नोट है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ घग्घर नदी के पास है जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। किसने किया था? सूरज भान ने किया था। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथर और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड लोथर और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता कौन कौन से? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है।
कहाँ से नर्तकी की कहाँ से मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहुदड़ो में मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल और चनहुदड़ो में। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। एक नोट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, कौन सी सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खोल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन कौन से? गेहूं और जौ था। सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे कि धान की खेती के होने का प्रमाण मिलता है कि वहाँ पे धान की खेती होती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम शास्त्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के हस्ती पंजर मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा कालीबंगन और लोथल से। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की जो इकाई थी 16 के अनुपात में थी। सिंधु काल में विदेशी व्यापार क्या क्या थे? ये आयातित वस्तुएं हैं और किस किस प्रदेश में होते थे आयात? तांबा कहाँ पे आयातित है? खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान में। चांदी अफगानिस्तान और ईरान में। सोना कर्नाटक अफगानी और ईरान में। टीन अफगानिस्तान और ईरान में। गोमेद सौराष्ट्र में। लाजवर्द मेसोपोटामिया में। और सीसा ईरान में। सैंधो सभ्यता के लोग यातायात के लिए दो पहिए और चार पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मान करके उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन थी। स्वास्तिक चिन्ह का किस काल में मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के काल में मिले हैं। इस चिन्ह से सूर्योपासना की जाती थी, मतलब कि उस टाइम पे सूर्योपासना होती थी, इसका अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो था वो इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए स्त्री ब्रिन मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधो समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति उनकी कहाँ पे है तो उसको हम देखने वाले हैं जो कि इस चार्ट के थ्रू देखेगा। ये स्थल है हड़प्पा में कौन सी नदी है? रावी नदी है। ये इसकी स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला और इसके उत्खननकर्ता हैं दयाराम सहनी 1961 में, माधो स्वरूप वस 1926 में और विलर 1946 में। मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। इस नदी की स्थिति कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। इसके उत्खननकर्ता हैं राखाल दास बनर्जी 1922 में, मैके हैं और व्हीलर हैं। चनहुदड़ो में
सिंधु नदी है, इसकी स्थिति है सिंधु प्रांत यानी जो कि अब पाकिस्तान में है, और नवाबशाह जिला, इसकी खोज की है यानी उत्खनन करता है मैके और एनजी मजूमदार। कालीबंगन, कालीबंगन में घग्घर नदी है, इसकी स्थिति है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष और बीवीलाल और बीके थापर। कोटडीजी, कोटडीजी में सिंधु नदी है, इसकी स्थिति है सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान, उत्खनन करता है फजल अहमद। रंगपुर, रंगपुर में कौन सी नदी है, मादर नदी है, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं। रंगपुर में मादर नदी है, इसकी स्थिति है गुजरात का काठीवाड़ा, इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। रोपड़, रोपड़ में सतलज नदी है, इसकी स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला है, यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है, ठीक है रोपड़ के। लोथल, लोथल की उत्खनन करता है रंगनाथ राव 1954 में। लोथल में भोगवा नदी है, इसकी स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में हिंडन नदी है, इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर के में दाश्क नदी है, और इसकी स्थिति की बात करें तो यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है और उत्खनन करता है ऑरेलिस्टाइन। बनमाली, बनमाली में रंगोई नदी है, और इसकी स्थिति की बात करें तो यह हरियाणा का हिसार जिला है, उत्खनन करता है रविंद्र सिंह विस्ट। धौलावीरा, धौलावीरा में लूनी नदी है, स्थिति है गुजरात के कच्छ जिला में, खोज करता है यानी उत्खनन करता है जेपी जोशी, रविंद्र सिंह विस्ट। सोतका, सोतका में है शादी कौर नदी, और इसकी स्थिति दक्षिण बलूचिस्तान में है, उत्खनन करता जॉर्ज डेल्स है। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, सैंधववासी जो है वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से भी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा के स्त्रों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति जो है वो सिंधु सभ्यता में थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा के शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण था बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जो पकी हुई मिट्टी थी उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो इसके बाद आते हैं फोर्थ चैप्टर में, हम बात करेंगे अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है, कौन कौन से, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है वो भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन पांच भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति, जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा के सहित करीब 12 हुआ करता था। पूरब, पूरब दुर्गापति और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाचपति, वाचपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र।
एक नोट है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं हुआ था। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी नहीं थे, इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिला है। तो ये एक चार्ट है, इसको देख सकते हैं आप। दिशा है उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द है प्राची और वहाँ के राजा को सम्राट कहा जाता था। पश्चिम का राजा का नाम, राजा का नाम था स्वराष्ट्र और इसका उत्तर वैदिक शब्द है प्रतीची। उत्तर उत्तर के उत्तर वैदिक शब्द है उदीची और उत्तर दिशा के उत्तर वैदिक शब्द है उदीची। राजा का नाम विराट। मध्य में राजा कर को राजा कहा जाता था और दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था। पूर्व में राजा को सम्राट, पश्चिम में राजा को स्वराष्ट्र, उत्तर में राजा को विराट, मध्य में राजा को राजा और दक्षिण में राजा को भोज के नाम से जाना जाता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि का प्रयोग भी किया गया है। युद्ध में गविष्टि का प्रयोग भी किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दस राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल में है। ये युद्ध परुषणी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और दस जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था इसमें इस जो कि परुषणी तट यानी रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसपे सुदास और दस जनों के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो थे वो विजय हुए थे। ऋग्वैदिक समाज में चार वर्णों, ऋग्वैदिक समाज जो था वो चार वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद का जो दसवां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या है 108, महापुराणों की कुल संख्या है 18 और वेदांग की कुल वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है। उपनिषद 108, महापुराण 18 और वेदांग 6 है। इसमें कहा गया है दसवें मंडल के पुरुषोत्त में चतुर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में यज्ञ जो होता था उसमें भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गागरी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाली अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस था। ये वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य जो है मुख्यतः तीन प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। किन किन वस्त्रों का? वास, अधिवास और उष्णीष का प्रयोग करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन और उनके ये प्रवर्तक हैं। चाणवाक के प्रवर्तक हैं चार्वाक, योग के प्रवर्तक है पतंजलि, सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल, न्याय के प्रवर्तक है गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण और वैशेषिक के प्रवर्तक हैं कणाद। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य कौन कौन से साधन थे? आर्य मनोरंजन लेते थे संगीत, रथ दौड़, घुड़ दौड़ और द्युत क्रीड़ा से। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। गाय को अग्निया न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, गाय को अग्निया के नाम अग्निया योग में रखा गया था, अग्निया श्रेणी में।
गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। एक नोट है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 18वीं सदी से प्राप्त हुआ है। लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ है? ईसा पूर्व 18वीं सदी से प्राप्त हुआ है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी उस टाइम पे। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट यानी सुतखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है वो सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा को जो राज्याभिषेक होता था उस समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। इसके बाद हम ऋग्वैदिकालीन नदियां देखेंगे कि ऋग्वैदिकालीन कौन कौन सी नदियां हैं, ये उनका प्राचीन नाम है और ये अब इनका नाम क्या है। प्राचीन नाम है ऋग्वैदिकालीन नदियों का क्रुभ, जिसको अब कुरुम कहते हैं, कुरम। कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। आस्किनी को अब चिनाब के नाम से जानते हैं। परुषणी रावी नदी को बोलते थे। शतुद्री सतलज नदी। और कौन ऋग्वैदिक काली नदी है? विपाशा है, विपाशा को अब व्यास कहते हैं। सदानीरा अब आधुनिक नाम इसका गंडक है। दृष्धती घग्घर नदी को बोलते थे। गोमती अब का गोमल है। सुवस्तु स्वात, ये सारे जो है वो ऋग्वैदिक काल की नदियां हैं। अब ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन कौन से थे? इंद्र थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन है? इंद्र हैं। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ वरुण। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता वरुण को कहते हैं। धौ आकाश का देवता, ये सबसे प्राचीन है। सोम सोम वनस्पति के देवता हैं। उषा प्रगति और उत्थान देवता हैं। अश्विनी अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता है। अश्विनी अश्विनी कौन है? विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता और मरुत आंधी तूफान के देवता। तो ये सारे जो हैं ऋग्वैदिन काल के कालीन देवता हैं। कौन कौन से? इंद्र अग्नि वरुण द्यौ सोम उषा अश्विनी पूषण विष्णु और मरुत। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। श्राद्ध की जो प्रथा थी, पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया था श्राद्ध की प्रथा। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे? कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से? महाभारत और रामायण। कौन कौन से दो महाकाव्य हैं? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है।
ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। एक नोट है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने किया था। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। बुद्ध ने जन्म के पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से। तो देखते हैं कौन कौन से 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी और उनका क्षेत्र और आधुनिक स्थान अब किस स्थान पर है। अंग जो महाजनपद है उसकी राजधानी चंपा और इसका क्षेत्र भागलपुर मुंगेर आधुनिक स्थान में है बिहार में। कहाँ पे आधुनिक क्षेत्र है ये? भागलपुर मुंगेर बिहार में। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह में और इसका क्षेत्र जो कि आधुनिक स्थान है पटना गया बिहार में। काशी तीसरा जनपद काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, अब इसका क्षेत्र है वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, उसका क्षेत्र है इलाहाबाद के आसपास। वज्जी की राजधानी है वैशाली विदेह और मिथिला, इसका क्षेत्र है आधुनिक स्थान वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद अगला महाजनपद है कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, इसका क्षेत्र है आधुनिक स्थान फैजाबाद गोंडा बहराइच में जो कि उत्तर प्रदेश में है। अवंती महाजनपद का राजधानी है उज्जैन महिष्मती में और इसका अब क्षेत्र है मालवा मध्य प्रदेश में। मल की राजधानी कुशावती है, इसका अब का क्षेत्र है देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पंचाल की राजधानी है अहिच भी है कांपिल्य है, इसका क्षेत्र है बरेली बदायूं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में। चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती और इसका क्षेत्र है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। कुरु का राजधानी है इंद्रप्रस्थ, इसका क्षेत्र है आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर में, इसका आधुनिक क्षेत्र है जयपुर अलवर भरतपुर जो कि राजस्थान में है इसी के आसपास के क्षेत्र में है। 13वां जनपद है कम्बोज की राजधानी है हाटक, आपका क्षेत्र है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में है और इसका अब का क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र भी मथुरा उत्तर प्रदेश ही है। अश्मक की राजधानी पोटली पोतन में है और इसका अब का क्षेत्र है गोदावरी नदी क्षेत्र जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। गांधार जो महाजनपद है ये 16वां महाजनपद है, इसकी राजधानी है तक्षशिला और इसकी आधुनिक क्षेत्र है रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में। आते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम बौद्ध सॉरी जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बाद हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे।